जी तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट टू मैथमेटिक्स की सीरीज। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के ऑल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.3 के भी ऑल क्वेश्चंस। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 6 पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x का स्क्वायर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x का स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। किसके इक्वल होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर। आखिर ये इसके इक्वल कैसे हुआ? ये हमारे पास एक फॉर्मूला हमें मालूम है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हमने फर्स्ट ईयर की मैथ्स के अंदर पढ़ा था। सो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है और यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 थीटा। ओके सो 1 माइनस cos 2x इक्वल हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x के, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर x है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर आ गया मींस कि हमने इसको फर्दर आगे सॉल्व करना है। कैसे? 2 साइड पे आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप होल पे लिखेंगे और यहां से कॉमन आ जाएगा स्क्वायर। ओके सो जैसे कि ये थ्योरम हमें कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। सो थीटा की जगह हमारे पास x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इसके इक्वल आएगा 1 के। सो 2 1 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। सो 2 1 1 द 1 होता है और 2 1 द 2, सो 2 इज आवर फाइनल आंसर। ओके फॉर दिस क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। फॉर पार्ट नंबर 7 नाउ स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 8 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। ओके सो अब हमने इसको सॉल्व करना है, अगर इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 0 बाय 0 फॉर्म आएगी तो वो हमारा आंसर कंसीडर नहीं होगा। सो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x की मींस कैसे? हमें मालूम है sin स्क्वायर x इज इक्वल sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। सो sin स्क्वायर x इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव cos स्क्वायर है, इस पर लेके आएंगे इक्वल के तो ये नेगेटिव cos स्क्वायर x हो जाएगा। ओके सो अब हमारे पास अब हम इसकी जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि अब हमने इसको एक दफा पॉजिटिव में लिखना होगा, एक दफा नेगेटिव में लिखना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। सो जब हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। ओके सो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस cos x। ओके सो अब हम ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर तो है ही 1, तो जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 1 प्लस cos के साथ 0, cos 0 क्या होता है 1, सो 1 ओवर 1 प्लस 1 2, सो 1 ओवर 2 इज आवर फाइनल आंसर। ओके नाउ स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व ऐसे करना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर थीटा sin थीटा हमने अलग-अलग कर लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ही आएगा और थीटा। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब हम थीटा दोनों के नीचे है, एक के नीचे लिख देते हैं, जैसे sin थीटा ओवर थीटा डॉट sin थीटा। ओके सो इसके साथ ही लिमिट, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यही हमारे पास आएगा, sin स्क्वायर थीटा बनेगा और थीटा नीचे आ जाएगा। सो लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin ऑफ थीटा। ठीक है सो
ये हमारे पास सेम यही थ्योरम जैसे स्टेटमेंट आ गई है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है वन के। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होगा वन के। सो हमने लिखा वन, और यहाँ पर जब हमने थीटा की वैल्यू हमने पुट की, मीन्स के हमने लिमिट अप्लाई की, थीटा की जगह पर हमने जीरो लिखा, तो साइन जीरो इक्वल होता है जीरो के। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, सो जीरो अंदर जीरो, सो जीरो इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये हमारे पास जीरो आंसर है, लेकिन अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगी, वो हमारे पास आंसर कंसीडर नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, हमने क्या किया, साइन को अलग-अलग किया, फिर उसके बाद थीटा एक साइन के नीचे हमने लिखा, फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम 10th पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x माइनस cos x ओवर x। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा, आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन ही एक अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है, मींस के हर लॉजिक ही अलग बन गई टेक्निक उसको सॉल्व करने की, इसकी भी टेक्निक डिफरेंट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वन ओवर x हमने साइड पे कर लिए है, secant x माइनस cos x। ओके सो लिमिट x approaches to 0, 1 over x, secant जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, cos का इन्वर्स होता है, so secant की जगह हम 1 over cos x भी लिख सकते हैं, minus cos x, यहाँ पर लिखेंगे cos x, ठीक है, so limit x approaches to 0, 1 over x, अब हम इसका ले लेंगे LCM, LCM कैसे, cos x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा cos स्क्वायर x के। ओके सो ये हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल होता है 1 के, सो sin स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस, जब ये पॉजिटिव cos स्क्वायर इधर आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव cos स्क्वायर x के, सो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे sin स्क्वायर x। ओके सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर 1 ओवर x पहले था cos x, ठीक है, इसकी जगह पर हमने सिर्फ लिखा है साइन स्क्वायर x ओवर cos x, 1 ओवर x वैसे ही है। सो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब हम क्या करेंगे, साइन x ओवर x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर cos x, दिस इज साइन x, s i n साइन x। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर ये किया कि हमने लिमिट अलग अलग अप्लाई की, वो कैसे, साइन स्क्वायर x है तो एक दफा हमने साइन, क्योंकि ये x होल के नीचे है ना, मतलब इस तरीके से है, सो एक दफा हमने साइन x ओवर x लिख दिया और एक दफा साइन x ओवर cos x लिख दिया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें लिमिट्स हटा के तो आंसर हमारे पास यही आएगा। ओके सो हमने इसको सेपरेटली लिख दिया, सो इसकी लिमिट तो हमारे पास आएगी 1, क्योंकि ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पर भी ऐसे ही है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, तो इसका आंसर 1 है, इसका आंसर भी 1 है, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर x है, कोई बात नहीं, x है हमारे पास एंगल, यहाँ पर थीटा एंगल है, सो ये क्या होगा, sin x ओवर cos x क्या होता है, tangent x डॉट लिमिट x approaches to 0 tangent x, so x की जगह पर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पर 0 अप्लाई करेंगे, so 1, ये 1 ऊपर वाला ही और tangent 0, tangent 0 कैलकुलेटर हमें बताता है कि tangent 0 1 0 के इक्वल होता है, so 1 into 0 1 0 0 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, so 0 is our final answer। okay now students अब हम पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, ये भी हमें 0 बाय 0 फॉर्म देगा डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इस वजह से हमें इसको डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करना होगा, जैसे हर क्वेश्चन ही डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व हो रहा है, तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें मालूम है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा के। ओके सो यहाँ पर है cos p थीटा, तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos p थीटा, p यहाँ पर आ जाएगा और 1 माइनस cos p थीटा इक्वल हो जाएगा 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2 के, सो 1 माइनस cos p थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2, सो लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू जीरो की जगह पे हमने लिखा टू साइन स्क्वायर ई थीटा बाय टू. सो नीचे ई की जगह सिर्फ हम क्यू का चेंजिंग करेंगे टू साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय टू. ओके सो टू टू से हो जाएगा कैंसिल. नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन पी थीटा बाय टू ओवर साइन क्यू थीटा बाय टू. अब ये दोनों के ऊपर स्केयर है तो हम ए होल के ऊपर स्केयर लिख देंगे. ठीक है साइन स्केयर पी थीटा बाय टू है सो साइन पी थीटा बाय टू ओवर साइन क्यू थीटा बाय टू होल का स्केयर. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे. इस लिमिट को भी आप अंदर ही लें. ओके सो अब अलग अलग लिमिट ऊपर नीचे अप्लाई करें. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन पी थीटा बाय टू. अब हमारे पास है यहाँ पर पी थीटा. अब हमारे पास ये थ्योरम यूज करना पड़ेगा. हमारे पास एंगल है लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमें पी थीटा बाय टू से मल्टीप्लाई करना है और पी थीटा बाय टू से डिवाइड करना है. ओके सो अब हमने नीचे अलग लिमिट अप्लाई की. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन क्यू थीटा बाय टू मल्टीप्लाई किया क्यू थीटा बाय टू से और डिवाइड किया क्यू थीटा बाय टू. ओके होल का स्क्वायर इसको सही करके लिख लेते हैं स्क्वायर. ओके सो आई एम रेजिंग इट. सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्क्वायर के अंदर सिर्फ हम इन इस लिमिट के पोर्शन को रखेंगे. इसको हम बाहर निकाल देंगे कैसे जैसे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन पी थीटा बाय टू ओवर पी थीटा बाय टू. ठीक है सो पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय टू ये हमारे टू टू द फोर सो दिस इज फोर. ओके सो ये हमने स्क्वायर से बाहर ले आए. ओके स्क्वायर पुट कर दिया और नीचे भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे जिसे हमने कर दिए लिमिट स्क्वायर सिर्फ इस पर रह जाएगा. ओके सो इसके यहाँ पर आपने अलग ब्रैकेट यूज करनी है और यहाँ पर अलग सो दिस इज सेपरेट ब्रैकेट. ओके सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन क्योंकि नीचे क्यू है साइन क्यू थीटा बाय टू ओवर क्यू थीटा बाय टू स्क्वायर. सो यहाँ पर आएगा क्यू स्क्वायर यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू है क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय टू. ओके सो अब हमने क्या करना है लिमिट अप्लाई करनी है और इसको लिमिट क्योंकि सिर्फ इस पोर्शन पे ही अप्लाई होगी सो हमारे पास पी थीटा बाय टू जो हमारे पास एंगल में है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में है. अब चाहें तो पी थीटा बाय टू इधर भी लिख सकते हैं थीटा तो है पी बाय टू लेकिन ये इससे भी सॉल्व हो जाएगा. सो इसकी जगह पर हम लिखेंगे वन क्योंकि जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में है सो इसकी जगह पर वन का स्क्वायर पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय फोर यहाँ पर फोर आना. ओके सो लिमिट अप्लाई की इस थ्योरम के मुताबिक जो एंगल में है वो डिनोमिनेटर में है तो इक्वल आता है आंसर बन के वन का स्क्वायर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय फोर. सो ये आपस में क्या होगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय फोर. ठीक है सो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये फोर ऊपर चला जाएगा और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा. सो फोर फोर से कैंसिल हो जाएगा थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली आंसर आया पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसका लास्ट पार्ट 12th पार्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा. ओके सो इसको सॉल्व करने की अलग लॉजिक है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए सॉल्व करते हैं. लेट सॉल्व इट. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो अब हमने वन माइनस साइन क्यूब थीटा हमने साइड पे कर लिया है और हमारे पास ब्रैकेट में हमने अलग कर लिया है टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा. ओके सो बात यही है सेम ही है लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है इसलिए हमने इसको सेपरेट किया. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम ही बनेगा. ये इसके नीचे हमने सिर्फ डिवीजन साइड पे किया. ओके सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर साइन क्यूब थीटा टेंजेंट को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके माइनस साइन थीटा. अब हमने क्या करना है इसका एलसीएम ले लेना है अंदर. लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये वाला, और नीचे जिसके कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। ओके सो अब हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन थीटा हमारा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेंगे। ओके लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो सो साइन थीटा कॉमन ले लिया ओवर क्या है साइन क्यूब थीटा। ओके सो यहाँ पर हमारे पास बचा वन माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। सो एक साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में आएगा मीन्स के नेक्स्ट स्टेप में आएगा थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस थीटा ओवर यहाँ पर रह गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ठीक है थीटा। सो हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या इधर आके नेगेटिव का हो गया कोस स्क्वायर थीटा। सो इसका नेक्स्ट स्टेप में आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ओके सो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को एक दफा पॉजिटिव में लिखेंगे एक दफा नेगेटिव में लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कोस थीटा ओवर वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा, ठीक है। सो दिस इज कोस थीटा, सो वन माइनस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो गया और यहां पर आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर वन प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। ओके सो वन ओवर वन प्लस कॉस जीरो क्या होता है वन, और फिर कॉस जीरो क्या होगा वन, सो वन ओवर वन प्लस वन टू इंटू वन, सो टू वन द टू वन ओवर टू एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके सो नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग 6 पार्ट्स, पार्ट नंबर 7 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो लेक्चर्स देन लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर। ओके अल्लाह हाफिज़।